भाई हमारे बंगाली दादा, आपके लेग पीस बहुत बढ़िया लग रहे हैं यार। सर ये लेग पीस मेरा नहीं है बॉस। ये देखो भाई साहब, आप ये देख सकते हो, बढ़िया से पूरा अच्छे से शैलो फ्राई कर दिया है। शायद सीआर पाक वालों को बुरा लग जाएगा, बस सीआर पाक में जो मिलता ना उससे 1 करोड़ गुना बढ़िया है, 1 करोड़ गुना। तो भाई द्वारका सेक्टर 10 की मार्केट में हो, अब ये एक स्ट्रीट फूड हब बन चुका है भाई साहब। इतनी सारी कार्ड्स हैं यहाँ पे, इतने सारे ऑप्शन हैं खाने पीने के। तो मैं आया हूँ आपको लेके कहाँ पे, करीश भाई किलो, एक बंगाली दादा है जिन्होंने ये स्टार्ट किया है। मिलाता हूँ उनसे डायरेक्ट और दिखाता हूँ कोलकाता की ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दिल्ली द्वारका में बिक रही हैं। आ जाओ। तो बंगाली दादा क्या हाल है? बढ़िया सर, बढ़िया बहुत भाई। मैंने बहुत नाम सुना आपका, बहुत कम टाइम में ना आपने एकदम बढ़िया, मैं कह रहा हूँ अपने आपको सेट कर लिया यहाँ पे। सब लोगों की प्यार है जो अच्छा। प्यार करते हैं लोग। सर क्या क्या मिलता है मुझे बताओगे एक बार, ये ग्रेवीज बताओगे एक बार क्या क्या है मेरे पास? ये मिलता है, एक तो ये है चिकन चंगेजी। चिकन चंगेजी, अच्छा ये ग्रेवी है? ये ग्रेवी, इसको हम तवा में करेंगे जब, ठीक है, करेंगे चिकन चंगेजी करेंगे। इसी से चिकन कोरमा है अलग, चिकन चंगेजी चिकन कोरमा बनता है। ये है मटन कोसा। मटन कोसा, हाँ जी मटन कोसा है। चिकन टिक्का। चिकन टिक्का, अच्छा जी, वाह भाई काफी मसालेदार लग रहा है। बोनलेस होता है ये है मटन टिक्का। अच्छा जी, ये मटन बोनलेस है, बोनलेस एकदम। हाँ। और ये है मटन कीमा कलेजी। मटन कीमा कलेजी, और ये फिश, ये फिश फ्राई, फिश फ्राई है। ये भेट की फिश होता है। ये मुगलाई पराठा। ये मुगलाई पराठा दादा, मेरे को एक मुगलाई पराठा बनाता है, दिखा दो कि कैसे बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज प्लीज, आ जाओ। इसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा। ये देखो भाई साहब, मुगलाई पराठा कैसे बनता है भाई, एकदम कोलकाता वाला टेस्ट मिलेगा दादा? बिल्कुल सर, बिल्कुल कोलकाता वाला मिलेगा, क्योंकि यहाँ सारे कलकत्ता वाला ही है। अच्छा, बनाने वाले भी सारे कलकत्ता की है। अच्छा, बनाने वाले भी? बिल्कुल बिल्कुल जी। सारे टाइम हो गया आपको यहाँ पे? यहाँ पे हमारे तो बहुत ज्यादा नहीं, 1 साल हुआ है अभी। अच्छा, 1 साल हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो भाई साहब, मतलब कि आज तक पूरी दिल्ली NCR के अंदर किसी को कोलकाता का फूड खाना होता ना, सीधा सीआर पाक जाते। बिल्कुल बिल्कुल जी। बट आप द्वारका वालों को तो फिलहाल जाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। ये अभी चिकन बना रहे हैं। ये चिकन बना रहे हैं अभी। ये देखो भाई, चिकन डाल रही है, प्याज डाल दिया है, इसमें अंडा भी आएगा ना? हाँ जी बिल्कुल आएगा सर। ओके, मैंने कोलकाता के अंदर ना एक रेस्टोरेंट है, हाँ जी रेलवे स्टेशन के पास है, अनाड़ी कैबिन, मैं जब भी जाता हूँ उसके पास खाता हूँ, वो ना डक अंडा यूज़ करता है। ये देखो भाई, अब इसको बढ़िया से मिक्स किया जाएगा, और ये प्रोसेस ना हाथ से ही होता है। इसको बढ़िया से मिक्स किया जा रहा है, और उसके बाद इसको फोल्ड किया जाएगा पराठे को स्क्वायर शेप के अंदर। और इसमें खास बात ये है कि ये जब फोल्ड करते हैं ना, इसको इस तरह से सील करते हैं कि इसके अंदर एक बूंद भी ऑयल नहीं जाएगा। अच्छा, ओहो, बिल्कुल ऑयल फ्री होगा अंदर से। हाँ, ये सील ऐसे ही किया जाता है। कई लोग तो कट मार देते हैं। नहीं नहीं, कट नहीं, नहीं 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 जी, पकेगा तो, ये तो बिल्कुल पकेगा अंदर तक ही। ये देखिए, ये सील किया जाता है ऐसे, एकदम बढ़िया तरीके से। हाँ, ये सील है, ये परफेक्ट। अभी डायरेक्ट ऑयल पे, ऑयल में जाएगा ये। आ जाओ भाई, ये देखिए, ये देखो भाई, ऑयल में, अब ये ऑयल में शैलो फ्राई होगा, शैलो फ्राई बढ़िया सा एकदम शैलो फ्राई होगा। और ये तब तक इसको फ्राई करते हैं जब तक दोनों तरीके से अच्छे से गोल्डन फ्राई ना हो जाए। और यहाँ पे तैयार हो रहा है चिकन चंगेजी। अभी देखो कि चंगेजी कैसे तैयार करते हैं। ये देखिए दादा, कितने बजे आते हैं, टाइमिंग्स क्या रहते हैं? हाँ जी, टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग हमारे अभी गर्मी की वजह से हम शाम को 6 बजे आ रहे हैं। अच्छा, सर्दी में तो हम 4:30 बजे तक आ जाते हैं। और कितने बजे तक रहोगे रात को? रात को 11 बजे तक। और 7 डेज ओपन है? बिल्कुल नहीं नहीं, हमारे ट्यूजडे को हम ऑफ रखते हैं। ट्यूजडे को ऑफ है, कोशिश करके, क्योंकि एक दिन तो ऑफ होना जरूरी है। परफेक्ट, थोड़ी इसी हिसाब से। ये देखिए, ये चिकन चंगेजी, इसमें अभी मसाला, वो कहाँ दादा, आपका स्टाइल बहुत बढ़िया लग रहा है, आपकी टोपी ना आप बड़े मैच कर रही है एकदम बढ़िया। इसमें थोड़ा मसाला जाएगा, अनिल कपूर की याद आ रही है मेरे को मिस्टर इंडिया वाले। इसमें मसाला जाएगा। अच्छा, इसको काटा जाएगा, बढ़िया से पूरा फोल्ड कर दिया है, मतलब पलट दिया है। और धीरे धीरे एकदम देख रहे हो आप कि जो एकदम क्रिस्पीनेस, जो ऊपर मार्क्स आ रहे हैं जो ब्राउन कलर के, वो उसको पका रहे हैं बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। और ये चिकन चंगेजी है, इसको किसका खाते हैं? रुमाली रोटी का? रुमाली रोटी, तवा रोटी, तवा। अच्छा। पराठा हमारे पास, लच्छा पराठा। ओके। ये सब हमारे पास तैयार होता है। परफेक्ट, हम प्योर घी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एकदम देसी, ये देसी गाय का घी इस्तेमाल करते हैं। परफेक्ट। तो भाई यहाँ पे आप आ सकते हो, जैसे नाम है ना करीश बाय किलो, तो मतलब यहाँ पे ना आपको मुगलाई क्यूजीन एंड तवा आइटम्स मिलेंगे। तवा आइटम्स बोले तो आप सारे आइटम्स देख सकते हो, ये सारे तवे वाले आइटम्स हैं। और ये फ्राई होता है एक आइटम, जो कि फिश कटलेट भी बोलते हैं इसको। और ये देखो भाई, ये पक रहा है, ये एक डन कर दो पूरा, एक इसको फाइनल करो, फाइनल करके जरा टेस्ट कराओ साहब को। हाँ, एक डन कर दो पूरा। ये अभी ना हाफ फ्राई करके रख देते हैं, जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे तैसे तैसे फटाफट कस्टमर को देने के, ताकि कस्टमर को ज़्यादा देर खड़ा ना होना पड़े। परफेक्ट है भाई, कभी यार द्वारका सेक्टर 10 आओ तो बंगाली दादा के पास ज़रूर आना, और इसको ट्राई ज़रूर करना। इसे ट्राई ज़रूर करना भाई, क्योंकि मज़ा आ जाएगा आपको खा के जब आप इसको ट्राई करोगे। ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है, और वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ये देखो भाई, सर सर्विंग हो रही है बढ़िया से।
परफेक्ट। और ये देखो इसको भी बढ़िया से ऑयल डाल के इसको पूरा डीप फ्राई किया जाएगा, मतलब शैलो फ्राई किया जा रहा है, नहलाया जा रहा है। हाँ नहलाया जा रहा है। ये देखो भाई साहब, आप ये देख सकते हो बढ़िया से पूरा अच्छे से शैलो फ्राई कर दिया है, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा कि एकदम काफ़ी क्रिस्पी है। अब इसको कट करवाते हैं और टेस्ट करते हैं बढ़िया से चटनी के साथ। और ये आप मेन्यू देख सकते हो भाई कि इनके पास क्या क्या है और रेट कैसे है, ये भी आपको दिख जाएंगे। ये देखो भाई कटिंग कर दी बढ़िया से। और ये आलू की सब्ज़ी है ये? अच्छा दम आलू के खाया जाता है, क्या बात है भाई। ये प्लेट लग चुकी है, और ये कितने की? 150 की। परफेक्ट। अब चलते हैं भाई टेस्टिंग करते हैं, बताता हूं आपको टेस्ट कैसा है। तो है ना, इसके अंदर देखिए बिल्कुल जरा सी भी ऑयल नहीं मिलेगा। हाँ ये जो भी है, जो आप लोग जो लोग पूरी खाते हैं, हाँ जी गारंटी से कहता हूं पूरी से भी कम ऑयल मिलेगा इसे। अच्छा जी, कम मिलेगा ऑयल पूरी में, जितना ऑयल होता है उससे भी कम होगा। मतलब पूरी तो देखो पूरी तो पूरी डीप फ्राई कर जाती है, ये इसको शैलो फ्राई की है, और इसके अंदर बिल्कुल एक एक बूंद एक ड्रॉप भी ऑयल नहीं। चलो आप ट्राई करते हैं और देखते हैं जरा कितनी ऑयल है इसके अंदर। आ जाओ भाई हमारे बंगाली दादा, आपके लेग पीस बहुत बढ़िया लग रहे हैं यार। सर ये लेग पीस मेरा नहीं है बॉस, ये लेग नहीं है? नहीं नहीं है, मुर्गे का है, इसीलिए आप इसको चेक कीजिए भाई। आप ये देखोगे ना, इधर आओ देखो, इतना बढ़िया लग रहा है भाई। ये देखो सामान देखो पूरा का पूरा, ये एकदम बढ़िया से एकदम मोटे मोटे लेग पीस है दो। और ये आ गया भाई पूरा मुगलाई पराठा, एकदम हमारा फ्राइड मुगलाई पराठा जिसके अंदर ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, एक बूंद से भी कम से कहते हैं ना वो वाला ऑयल है। और स्टफिंग आप देखोगे ना तो थिकनेस देख सकते हो, थिकनेस बता रही है कि इतना बढ़िया बनाया है, परफेक्ट। अब करते हैं टेस्ट और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है। तो भाई टेस्ट करते हैं बढ़िया से, क्योंकि खाना बन चुका पूरा प्रॉपर तरीके से। अब ये देखो भाई साहब, ये पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मैंने आपको दिखाया जस्ट अभी। अब इसकी फिलिंग देखो आप, ये देखो फिलिंग एकदम बढ़िया तरीके से, और ऑयल नहीं है, देख रहे हो इसके अंदर ऑयल नहीं है, क्योंकि इसकी जो पैकिंग है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से करी गई थी। इसको ट्राई करते हैं, चिकन कीमा का इसके अंदर, अंडा है इसके अंदर, इसके अंदर प्याज है, बढ़िया सा मसाले डाल रखे हैं, हरी चटनी के साथ इसको इन्जॉय करते हैं बढ़िया से। वैसे इसको आलू दम के साथ भी खाते हैं, ये मैंने पहली बार मैं देखा कॉम्बिनेशन। ओहो ऑयल है ये ऊपर। अंदर से एकदम जूसी, बताऊं एक बात बोलूं, शायद सीआर पार्क वालों को बुरा लग जाएगा, बस सीआर पार्क में जो मिलता ना उससे 1 करोड़ गुना बढ़िया है, 1 करोड़ गुना। ओ भाई सुपर गुड, अमेजिंग। दादा की मुर्गी के लेग पीस, ये देखो भाई लेग पीस देख रहा, साइज लुक एट द साइज गाइस। ये भाई वाकई में जगह बहुत बढ़िया जगह है, अगर आप द्वारका आ रहे हो ना तो मुझे नहीं लगता नॉनवेज यहाँ पे आके ज़रूर खाना, और मुगलाई पराठा ज़रूर ट्राई करना। ये देख कोलकाता बिरयानी, वाह कोलकाता का बिरयानी, ये कौन सा मटन बिरयानी? नहीं चिकन बिरयानी, कोलकाता चिकन बिरयानी, इसमें एक होता अंडा होता बिरयानी वाला चम्मच, बिरयानी वाला चम्मच। ये कोलकाता बिरयानी है, और इसके खास बात है इसके अंदर आलू होता है। हाँ अरे भाई साहब आलू तो इसका जो टेस्टी होता ना भाई, आलू और अंडे होते हैं, मसालेदार आलू होता है, देख लीजिए दिखाइए, देख आलू होता है, अंडा होता है, और एकदम फ्लेवरफुल, पता है क्योंकि ये सब दम पे बनाया जाता है। ये भी मैं आपको टेस्ट कराता हूँ, और जो चीज़ दम पे बनाई जाती है ना भाई, ये मैं आपको बता रहा हूँ उसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जब ये दम पे बनेगा ना तो चिकन का जितना भी स्टॉक है वो सारा का सारा इसके अंदर ही ग्रेवी के अंदर ही पूरा सूख जाएगा, चावलों में आ जाएगा उसका फ्लेवर। मैंने ये खा लिया भाई, इन्जॉय कर लिया, मैं बाद में बिरयानी खाता हूँ और चलता हूँ घर। और अगर आप आ रहे हो द्वारका सेक्टर 10 तो फटाफट आ जाओ और इसको ट्राई करो।